हाय डियर फ्रेंड, केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला था कि इससे रिलेटेड जो आरआरबी जेई में जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तकरीबन 100-150 क्वेश्चन और भी हम लेके आएंगे इससे रिलेटेड, कि ताकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम पहले से अलर्ट रहें, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका, लेक्चर नंबर 4 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल, इनमें से हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? ऑस्मियम है, मरकुरी है, आयरन है, निकल है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मरकुरी। ठीक है, मरकुरी इज द हैवीएस्ट मेटल और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखने का। सेकेंड क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, ग्रीन केमिस्ट्री फोकसेस ऑन इफेक्ट ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट ऑन नेचर। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अप्रोच टू प्रिवेंट पॉल्यूटेंट। तो इनमें से जो करेक्ट है वो ये ऑप्शन देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, ना कि पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द ग्रीनर रिएक्शन कंडीशन अवार्ड इन 1996। ठीक है, जिसने ग्रीनर रिएक्शन कंडीशन का अवार्ड रिसीव किया था 1996 में, तो वो कौन थे? देखिए ऑप्शन ए है डो केमिकल, एक्सॉन केमिकल्स, USEPA, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डो केमिकल, DOWCHEMICAL केमिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर क्लीन ऑक्सीडेशन, क्लीन ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा इनमें से यूज किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल हाइड्रोजन, एक्वेस हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4th का करेक्ट ऑप्शन सी है, एक्वेस हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज फॉर क्लीन ऑक्सीडेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्रीन सॉल्वेंट आर डिराइव फॉर्म, ग्रीन सॉल्वेंट आर डिराइव फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शन दिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कार्बन रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ग्रीन सॉल्वेंट। ध्यान रखना ग्रीन सॉल्वेंट जो है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ग्रीन सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ईटिंग टोबैको एंड थ्रोइंग ऑन द रोड कैन प्रोड्यूस डैश पॉल्यूटेंट, एयर, सॉइल, नॉइज एंड वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, सॉइल, सॉइल पॉल्यूशन होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो बाकी सब हैं ऑब्वियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग डैट ऑकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, NO2, O3, SO3 एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर 8 का सी आंसर इज द राइट आंसर, SO3 इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग डैट ऑकर इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी कौन है जो इसको रिमूव करता है? ठीक है, इम्प्योरिटी जो है उसको रिमूव करता है, तो सेडिमेंटेशन है, बॉइलिंग है, स्टरलाइजेशन है, डिस्टिलाइजेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्टरलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, तो हार्डनेस के इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है वो होता है EBT। ये ध्यान रखने का, हार्डनेस के डिटर्मिनेशन के लिए इंडिकेटर यूज किया जाता है एरियोक्रोम ब्लैक टी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एरियोक्रोम ब्लैक टी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद 5th लेक्चर के केमिस्ट्री के बनाएंगे, तो आप ज़रूर इसको देखते रहिए कि ताकि आपका इसके बेस पे फंडा क्लियर रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।